हेलो एवरीबडी वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रितूस नोट्स तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियो में वो है अलेक्जेंडर पोप बहुत बारी क्वेश्चन uh, हमारे आते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिस एज एज अ ग्रेट पोइट इस सब के बारे में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चनस आते हैं तो आज इसी टॉपिक को हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो बिना देर के शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा डालते रहती हूँ और बेल आइकन को भी हिट कर लेना कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो और मेरे पास सेम वन इंग्लिश ऑनर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना मैं आपको वहां से कॉन्टेक्ट कर लूंगी तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अलेक्जेंडर पोप पहले हम देखेंगे उनकी लाइफ हिस्ट्री अलेगजेंडर पोप वॉज एन इंग्लिश पोइट ट्रांसलेटर एंड सटायरिस्ट ऑफ द अगस्टिन पीरियड तो अलेक्जेंडर पोप जो थे वो एक इंग्लिश पोइट थे इंग्लिश ट्रांसलेटर थे और एक सटायरिस्ट थे जो स्टायर लिखते हैं और वो अगस्टिन पीरियड के पोइट थे ही इज कंसिडर्ड द फोरमोस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ द अर्ली एटीन सेंचुरी एंड अ मास्टर ऑफ हिरोइक कपलेट तो अलेक्जेंडर पोर्ट अलेक्सेंडर पोप को मास्टर ऑफ हिरोक कपलेट भी कहा जाता है और इन्हें वन ऑफ द फोरमोस्ट पोइट कहा जाता है एटीन सेंचुरी मतलब एटीन सेंचुरी में ये एक पहले पोइट के नाम से जाने जाते थे अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन लंडन ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मई सिक्सटीन ऐटी एट तो इनका जन्म लंडन में हुआ था इक्कीस मई को सिक्सटीन ऐटी एट में द ईयर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन और इस एज को द ईयर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल लेन मर्चेंट और उनके जो फादर हैं वो एक लेन मर्चेंट थे इन द स्ट्रैंड और इस्ट्रैंड शहर में ये एक लेन मर्चेंट थे Mom, dad, इनके जो भी थे वो कैथलिक्स थे पोप एडुकेशन वॉज इफेक्टेड बाई द रिसेंटली इनैक्टेड टेस्ट एक्ट तो इनका जो पढ़ाई है जो भी पोप का एडुकेशन चल रहा था वो जो टेस्ट एक्ट उस एज में आया था उसकी वजह से उनपे बहुत प्रभाव पड़ा था विच अपेल्ड द स्टेटस ऑफ द एस्टेब्लिश चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड बैंड कैथलिक्स फ्रॉम टीचिंग अटेंडिंग द यूनिवर्सिटीज बोटिंग तो जो भी ये टेस्ट एक्ट आया था उस एज में उसकी वजह से उस एज में बहुत सारे चेंजेस हुए थे जिनकी वजह से जिनके प्रभाव पे क्या हुआ था कि कैथलिक्स को चर्च में आना मना कर दिया गया था उनका एजुकेशन रुकवा दिया गया था उनको यूनिवर्सिटीज में नहीं आने देते थे जितने भी कैथलिक्स थे उनको और वोटिंग भी उन्हें नहीं देने देते थे पोप वॉज टॉट टू रीड बाई हिज आंट और पोप की जो एक आंटी है उन्होंने उन्हें पढ़ाया था एंड वेंट टू टाइफर्ड स्कूल और उन्होंने ट्वाइफर्ड स्कूल में अटेंड करी थी अपनी क्लास ही देन वेंट ऑन टू द टू रोमन कैथलिक स्कूल्स इन लंडन और फिर उन्होंने दो रोमन कैथलिक स्कूल्स में एडमिशन लिया और वहां से अपनी पढ़ाई किसी तरह कंप्लीट करी थी अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा अलेक्जेंडर पोप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इज एज एलेक्जेंडर पोप हैज बीन द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द एटीन सेंचुरी और जैसा कि मैंने कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और फोमस्ट पोइट है एटीन सेंचुरी के ही इज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ एज एज चाउजर वॉज ऑफ़ द लेट फोर्टीन सेंचुरी तो जिस तरीके से लेट फोर्टीन सेंचुरी में चाउजर का नाम सबसे पहले और उनका एज इस नाम से जाना जाता है ना कि एज ऑफ चाउजर फोरटीन सेंचुरी को उसी तरह हम एटीन सेंचुरी को एज अ एज ऑफ पोप भी अलेगजेंडर एज ऑफ एलेगजेंडर पोप के भी नाम से जाने जाते हैं उसी तरीके से वो फेमस हो गए थे अपने एज में No writers reflect so clearly and completely the spirit of his own day as Pope does. तो Pope के वर्क से हमें ये सीखने को मिलता है ना कि वो इतने अच्छे तरीके से लिखते थे कि मतलब उनकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। We know that the Augustin age is also known as the age of Pope. और हम सभी को जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने इतनी अपनी नाम कमा ली थी अपने एज में कि इनके एज को एज अज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता था इनके नेम से भी रिप्रेजेंट किया जाता था ऑगस्टिन एज को दिस इज बिकॉज अलेगजेंडर पोप वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इज एज और ये इसलिए उनके एज को नाम पड़ गया था क्योंकि वो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे अपने एज के मेजर वर्क्स अब कुछ वर्क्स देख लेते हैं जो अलेक्जेंडर पोप ने करी थी अलेक्जेंडर पोप वॉज द वेल नोन राइटर ऑफ हिज एज वो एक वेल नोन राइटर थे अपने एज के सम ऑफ हिज प्रोमेंट वर्क आर फेमस आर गिवन बिलो और कुछ उनके फेमस वर्क जो भी थे वो नीचे हैं जैसे द रेप ऑफ लॉक एंड ए से ऑन मैन एंड ए से ऑन क्रिटिसिजम द डंकेड द न्यू डे सारे उनके बहुत ही फेमस ऐसे लिखी तो उन्होंने बहुत सारी थी लेकिन ये सारी फेमस है अब उनके बारे में देख लेते हैं पहली है द रेप ऑफ रेप ऑफ लॉक वॉज रिटन अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था, and first published in 1712. और पहली बार इन्होंने इसे किया था इसकी पहली एडिक्शन सेवनटीन टब्लिस्ड इन सेवनटीन फोर्टीन और दूसरी ही किताब उन्होंने uh, पब्लिश की थी में. स्टोरी फोकस ऑन सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा तो इस स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिनका नाम है बेलिंडा हुज लॉक ऑफ हेयर इज कट ऑफ एज द सोशल गैदरिंग और जिनका कि बालों के जो लॉक हो गए थे जैसे आप कह सकते उलझ जाना वो काट दिए गए थे सोशल गैदरिंग में लोगों के बीच में द रेप ऑफ लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम रिटर्न इन अगस्ट नेरा और ये एक एपिक पोएम है ये एक बहुत ही हटके अलग पोएम है जो कि अगस्ट नेरा में इंग्लिश हिस्ट्री में लिखी गई थी इट हैज अ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एज इट वॉज इंसपायर्ड बाय द रियल इवेंट्स और इसकी एक अपनी ही अलग इतिहास है क्योंकि ये एक रियल इवेंट से प्रभावित है ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है तो पोप्स फ्रेंड आस्ट हेम टू राइट द पोएम ऑन दिस थीम तो पोप के फ्रेंड ने उन्होंने एलेक्जेंडर पोप से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस थीम पे एक पोएम लिखो नेक्स्ट है हमारा एन एसे ऑन मैन दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ फोर एपिस्टल्स और इसके फोर एपिस्टल्स आप कह सकते हो uh, कि ये स्टोरी फोर भागों में डिवाइड की गई थी द फर्स्ट एपिस्टल्स सर्वेज रिलेशन्स बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द यूनिवर्स तो पहली स्टोरी में हम देखने को मिलता है कि रिलेशन किन के बीच में ह्यूमन्स के बीच में और यूनिवर्स के बीच में द सेकेंड डिस्कस इज ह्यूमन्स एज इंडिविजुअल्स और दूसरे में हम ऐसे देखा जाता है कि हर एक ह्यूमन को एज ए इंडिविजुअल उन्होंने सजेस्ट uh, करा है द थर्ड एड्रेस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टोरी और तीसरे में हमें रिलेशन देखने को मिलता है इंडिविजुअल और सोसाइटी एंड द फोर्थ क्वेश्चन द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ हैप्पीनेस और चौथे में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के हैप्पीनेस में क्वेश्चन किया जाता है वो चीज देखते हैं एनेसी ऑन मैन डिस्क्राइब्स द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ द चेन ऑफ तो ये जो एसे ऑफ मैन है ये एक आप कह सकते हो कि यूनिवर्स के थ्रू से उन्होंने एक इंस्पायर होकर के ये स्टोरी को लिखा था बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू रीजन ह्यूम्स आर प्लेस्ड एब एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर हिराची तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि ह्यूमन्स को हमेशा एनिमल्स के ऊपर रखा जाता है और प्लांट्स को हिराची में रखा जाता है नेक्स्ट में आते हैं एन ए ऑन क्रिटिसिज्म एन एसी ऑन क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ राइट्स ऑफ एलेक्डर पोप ये भी वन ऑफ द फेमस है एन एस ऑन क्रिटिसिज्म एलेक्डर पोप के द्वारा लिखा गया था दिस पोएम इज ब्रोकन इन टू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, और इस पोएम को तीन भागों में डिवाइड किया है उन्होंने पहले में हम देखते हैं क्या है द फर्स्ट पार्ट ओपेंस बाई डिस्क्राइब बाई डिस्क्राइबिंग द वेज लिटरेरी क्रिटिक्स कैन एक्चुअली काउज हम तो पहले पार्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लिटरेरी क्रिटिक हानि पहुंचा सकते हैं किसी को भी उस बारे में उन्होंने लिखा था दूसरा देखते हैं द सेकेंड पार्ट इन दिस पार्ट पोप डिस्क्राइब सम ऑफ द वेज दैट क्रिटिक्स डेवलप बैड जजमेंट्स द चीप ऑफ विच इज प्राइड तो सेकेंड uh, पार्ट में हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरीके से uh, पोप ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्रिटिक्स uh, कभी कभी बैड uh, जजमेंट्स निकाल देते हैं जितने भी क्रिटिक्स होते हैं कुछ अच्छे भी जजमेंट्स देते हैं तो कुछ बुरे भी देते हैं तो वो किस तरीके से प्रभाव करता है किसी भी राइटर uh, में तीसरे में हम देखते हैं इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम पोप ऑफर्स सम विजडम दैट क्रिटिक्स शुड फॉलो तो थर्ड पार्ट में वो बताते हैं एक कुछ रूल्स की तरह या कुछ सजेस्ट करते हैं जो कि क्रिटिक्स को फॉलो करने चाहिए एंड ही आल्सो रिफ्लेक्ट्स द अप्स एंड डाउन ऑफ द लिटरेचर एंड द लिटरेरी क्रिटिक्स और किस तरीके से ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी क्रिटिक्स और लिटरेरी uh, लिखावट में भी उस चीज़ को उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है चौथा है हमारा द डंकेट द इज अ मॉक हीरोइक सटायर इन हीरोगजेंडर पोप अटैक्स वेरियस फिगर्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ इस टाइम तो द डट जो है वो एक हीरोइक पोएम है वो एक सटायर एक तरह से कह सकते वो एक सटायर है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों आ, को अपने राइटिंग के द्वारा अटैक किया है क्या क्या किया है अब वो देख लेते हैं वर्ल्ड ऑफ इस सॉरी फिगर इन द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ हिस टाइम एंड बाय एक्सटेंशन एंड मॉरल वैल्यूज ही बिलीव्स इन अकरिंग इन ग्रेट ब्रिटेन एंड द वाइडर यूरोपियन वर्ल्ड तो इस स्टोरी में हमें बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिनमें से कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी उन्होंने लिखा है और यूरोपियन वर्ल्ड के बारे में भी उन्होंने लिखा है द पोएम सेलिब्रेट्स द गुडनेस सॉरी द गॉडस डलनेस एंड द प्रोग्रेस ऑफ अर चूजन एजेंट्स एज दे ब्रिंग डिके एम्बेलिसी एंड टेस्टलेसनेस टू द किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन तो इस पोएम में उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि एक गॉडेस है जिनका नाम डलनेस था उनके बारे में और किस तरह से प्रोग्रेस हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में किस तरह से वहाँ किंगडम आई थी किस तरीके से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए थे उस उसके बारे में उन्होंने इसमें डिस्कस किया है लास्ट पॉइंट है हमारा अलेक्जेंडर पोप एज अ ग्रेट सटायरिस्ट तो उन्हें एज अ ग्रेट सटायरिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और क्यों कहा जाता है हम देखते हैं ही इज अमंग द ग्रेट ग्रेट सटायरिस्ट इन इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर उन्हें सटायर का माना जाता है एंड हिज टू सटायर आर और उनके दो बहुत ही फेमस सटायर हैं द रेप ऑफ लॉक और द डेड ये दोनों उनके ग्रेट सटायर हैं ये सब नाम आप थोड़े से याद करना ये मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछते हैं आपको ही इज वन ऑफ द मोस्ट सटायरिक एंड क्विटेड पोइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज तो उन्हें वन ऑफ द ग्रेट सटैरिस्ट और क्विटेड पोइट्स ये पो ये जो है ना लाइन ये भी आप याद रखना ये वर्ड ये भी आता है मल्टीपल क्वेश्चन में कि क्विटेड पोइट किसे कहा जाता है तो क्विटेड पोइट एलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है फ्रॉम अबाउट द एज ऑफ ट्वेल्व ऑनवर्ड्स यहाँ ऑनवर्ड्स कहते हैं ऑनवर्ड्स एलेक्जेंडर पोप वॉज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर इज लर्निंग एंड ही टुक इट प्रिटी सीरियसली तो पोप जो है अपने बारह साल की ही छोटी उम्र से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सर पर ले चुके थे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते थे बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अच्छे से मन से पढ़ाई भी की थी और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले थी ही टॉट हिमसेल्फ बाई रीडिंग क्लासिक्स ग्रीक एंड रोमन वर्ग्स ऑफ ऑल काइंड्स और उन्होंने छोटे से ही अपने को इंटरेस्ट डाल दिया था कि वो ग्रीक और रोमन वर्कस में बहुत इंटरेस्ट देते थे और बहुत पढ़ते थे तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर आपके सिलेबस की हो और आपको हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कुछ दिन लेट हो सकता है पाँच छः दिन आगे पीछे लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो डालूंगी जरूर और बहुत सारी वीडियोस अभी पेंडिंग में भी है वो भी आनी बाकी है तो आप सब ने जितनी भी रिक्वेस्ट करी है वो आपकी वीडियो आएगी ज़रूर एक दिन तो आप बस थोड़ी सी वेट कर लेना थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो चलिए अब अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ फटाफट से कर लो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाय